हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जहां शादी और बच्चे हो जाने के बाद अक्सर कई अभिनेत्रियों का करियर खत्म हो जाता है। वहीं शिल्पा शेट्टी उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने शादी और बच्चों के बाद भी इंडस्ट्री में अपना जादू कायम रखा। बॉलीवुड की ये अदाकारा जितना अपनी हॉट और फिट बॉडी को लेकर सुर्खियों में रहती है, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती है। जब शिल्पा ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी, तब उन पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगे थे। चलिए जानते हैं शिल्पा की शादी से जुड़े कुछ ऐसे ही विवादों के बारे में। तो दोस्तों, आपको जान के हैरानगी होगी कि साल 2009 में शिल्पा शेट्टी ने जब बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी, राज कुंद्रा पहले से ही शादीशुदा थे। बावजूद इसके वे 12 साल तक शिल्पा को डेट करते रहे। राज कुंद्रा की पहली पत्नी का नाम कविता था और 2006 में दोनों का तलाक हुआ था। राज कुंद्रा और कविता की शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। वहीं राज कुंद्रा और कविता की शादी हुए महज 3 ही साल हुए थे और राज ने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। जिस वक्त राज कविता से तलाक लेना चाहते थे, उस वक्त कविता प्रेग्नेंट थी और इस दौरान राज शिल्पा शेट्टी को डेट करने लगे थे। जब कविता ने अपनी बेटी को जन्म दिया, तो महज 2 महीने बाद ही राज ने उनसे तलाक ले लिया था। इस बात से कविता इतना भड़क गई कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी पर कई बड़े आरोप लगाए। नाराज़ कविता का कहना था कि शिल्पा ने उनका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। वहीं दोस्तों, अगर राज कुंद्रा की पहली बीवी की बात की जाए, तो राज कुंद्रा की पत्नी कविता भी एक बिजनेसमैन फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती थी। कविता का जन्म लंदन में ही हुआ है। साथ में आपको ये भी बता दें कि खूबसूरती के मामले में वो शिल्पा शेट्टी को भी ज़बरदस्त टक्कर देती हैं। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।